हेलो एवरीबॉडी, दिस इज वेरीबल फ्रॉम रैप सिनेरियो और आज जो हम फोन रिव्यू करने जा रहे हैं वो है ओप्पो A96। की अनबॉक्सिंग हम लोगों ने कुछ दिनों पहले की थी, अगर आपने मिस कर दी तो कोई बात नहीं, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि इस फोन के साथ और क्या क्या आया था। वैसे ऑनेस्टली आई एम क्वाइट सरप्राइज टू सी द इंक्रीजिंग फैन बेस, और अगर आप एक ओप्पो फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस फोन की प्राइस इस वक्त मार्केट में 41,999 रुपीज़ है, और शुरू करते हैं इसके रिव्यू से और देखते हैं कि ये फोन क्या क्या ऑफर कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इसके कलर की। जो कलर वेरिएंट हमारे पास है वो है स्टारी ब्लैक कलर में। इसमें एक और कलर वेरिएंट आता है और वो है सनसेट ब्लू। डिज़ाइन को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है और इसकी फ्रॉस्टेड मैट बॉडी है, डर्ट प्रूफ टेक्सचर है, विच मीन्स कि आपको फिंगरप्रिंट स्पंजेस की कोई टेंशन नहीं होगी। और पीछे हमें इसके ड्यूअल कैमरा सेटअप नज़र आ रहा है, जिसकी कैमरा अलाइनमेंट मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत नीट लग रहा है फ़ोन। और फ़ोन के बॉर्डर पर हमें ओप्पो की ब्रांडिंग हुई भी नज़र आ रही है। तो अब बात करते हैं हम लोग फ़ोन के रॉकर्स की। फ़ोन के राइट पे हमें पावर बटन दिया हुआ है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी माउंट किया हुआ है। फ़ोन के लेफ्ट पे हमें वॉल्यूम रॉकर्स दिए हुए हैं और डुअल सिम ट्रे स्लॉट भी दिया हुआ है। फ़ोन के बॉटम पे हमें स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन और हेडफोन जैक दिया हुआ है, और फ़ोन के ऊपर हमें डुअल स्पीकर भी दिए हुए हैं। और अब बारी आ गई फ़ोन को सेटअप करने की, और देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से फीचर्स हैं। फोन सेटअप हो चुका है और सबसे पहले बात करेंगे इसके डिस्प्ले की। ओप्पो A96 में है 6.59 इंचेस का कलर रिच पंच होल डिस्प्ले विद 84% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो विद फुल HD रेजोल्यूशन, और साथ में इसके आ रहा है 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, और इसमें है एडेप्टिव रिफ्रेश रेट, जिसका मतलब यह है कि यह आपके फ़ोन के रिफ्रेश रेट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा अगर आप ये मोड इनेबल करेंगे। इसमें है ऑल डे AI कम्फर्ट, जो ब्राइट और डिम इन्वायरमेंट्स में आपकी स्क्रीन विजिबिलिटी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। और यहाँ अगर हम बात करें डिस्प्ले के कलर्स की, तो वो मुझे काफ़ी रिच और वाइब्रेंट लगे। और तो अब बात करते हैं इसके कैमरे की। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि ओप्पो का जो कैमरा गेम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाउएवर, क्योंकि A96 एक मिड रेंज डिवाइस है, यहाँ पे भी कैमरा पे काफ़ी फोकस रखा गया है। यहाँ हमें 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है। हाउएवर, यहाँ पे मैक्रो सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जो डायनामिक रेंज देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और कलर्स और डिटेल्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया हुआ है, जिसके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। अगर हम पिक्चर्स को जूम करके भी देखें तो मुझे डिटेल्स और जो कलर्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके स्टोरेज की। वैसे पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है, 8 GB रैम विद 128 GB रोम। हाउएवर, आप इसकी जो रैम है वो 5 GB तक फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें अपडेटेड स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट दिया हुआ है। इस चिपसेट के साथ आप कैजुअल गेमिंग आराम से कर सकते हैं। हाउएवर, जितने भी हैवी गेमर्स यहाँ बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आप लोगों को कुछ लाइक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो यूज़र्स जो डे टू डे ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक है, ईमेल ऐप्स हैं या व्हाट्सएप है, यूट्यूब वगैरह है, तो उनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथ होगा। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो इसमें ओप्पो का लेटेस्ट OS कलर OS 11 है Android 11 के साथ। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हम लोग इसके एक और मेजर सेलिंग पॉइंट की, और वो है इसकी बैटरी। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और साथ में है 33 watts की सुपर बुक फास्ट चार्जिंग। वैसे ओवर टाइम ओप्पो ने काफ़ी इम्प्रूव की अपनी बैटरी यूसेज को, और अगर हम लोग इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो आप फुली चार्ज कर सकते हैं फ़ोन को सिर्फ 70 मिनट्स में, और आप आराम से 1 से 1.5 दिन इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं सिंगल चार्ज पे। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ओप्पो A96 कैसा लगा। ब्रांड सिनेरियो को लेटेस्ट टेक अपडेट्स एंड न्यूज़ के लिए फॉलो करते रहें और हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।